अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का शव जरूर उनके कमरे के पंखे से लटका मिला था, लेकिन उन्होंने आत्महत्या ही की है, इसको लेकर असमंजस की स्थिति अभी भी बरकरार है। मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। मामले में मुख्य आरोपी रिया सुशांत को लेकर रोज नए नए दावे कर रही हैं, जिसे सुशांत के करीबी खारिज कर रहे हैं। रिया ने उन्हें पागल, ड्रग एडिक्ट, बायपोलर सब कुछ साबित करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी सुशांत पर उनके अलावा और कोई भी उंगली नहीं उठा रहा है और रिया को ही गलत ठहरा रहा है। ऐसे में सुशांत की एक दोस्त ने भी रिया को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिनका नाम स्मिता पारिख है। जी हाँ, सुशांत की दोस्त स्मिता पारिख का कहना है कि रिया ने उनसे खुद कहा था कि ये मामला आत्महत्या का नहीं बल्कि हत्या का लगता है। स्मिता ने कहा कि वो सुशांत की करीबी दोस्त रही हैं, इसी वजह से वो रिया के भी संपर्क में रही थी। सुशांत का शव 14 जून को मिला था, उसके बाद 7 जुलाई को उनके रिया से बातचीत हुई थी। स्मिता के मुताबिक बातचीत के दौरान रिया ने कहा था कि उन्हें भी ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उनकी हत्या हुई है। रिया ने स्मिता को ये भी बताया कि सुशांत उनसे अपनी खास बातें साझा नहीं किया करते थे। स्मिता पारिख ने ये तब कहा जब रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने रिया को बचाने के लिए स्मिता के साथ हुई रिया की चैट को वायरल कर दिया। इस चैट में स्मिता रिया को दुनिया की सबसे भाग्यशाली महिला बता रही हैं, जिन्हें सुशांत ने इतना प्यार दिया। सुशांत के पिता की तरफ से रिया पर दर्ज कराई गई FIR से पहले की ये चैट है। 7 से 11 जुलाई के बीच हुई रिया और स्मिता की बातचीत में स्मिता ने रिया से कहा कि उन्होंने जो कुछ किया वो गलत किया, अगर वो हमें देख सकते हैं तो देखें कितना दर्द वो यहाँ छोड़ कर गए हैं, तुम्हें सच के लिए आवाज उठानी चाहिए। रिया ने कहा था कि सुशांत मुझे अकेले छोड़कर चले गए हैं, लोग मुझे डायन कह रहे हैं जबकि मैंने सिर्फ सुशांत को प्यार दिया है। चैट में स्मिता ने रिया से हमदर्दी दिखाई है। सुशांत के पिता को लेकर भी रिया ने स्मिता से शिकायत की, सुशांत के परिवार को लेकर शिकायत की, कहा कि अपने कपड़े, जूते, सुशांत के साथ तस्वीरें, लैपटॉप कुछ भी नहीं ला पाई। इस पर स्मिता ने उन्हें पुलिस को पत्र लिखकर सामान वहां से निकालने की सलाह दी। रिया ने कहा कि सुशांत के परिवार से उन्हें बहुत डर लगता है, वो सामान को बेच देंगे, उनके पास दिल नहीं है। इस पर स्मिता ने कहा कि भले ही वो नापसंद करें लेकिन उनके भाई ने तुम्हें प्यार किया है। रिया ने खुद को बचाने के लिए जब स्मिता के साथ हुई इस चैट को वायरल किया तो सुशांत की दोस्त स्मिता पारिख ने भी इस बात का खुलासा किया कि रिया ने उनसे खुद कहा था कि उन्हें भी लगता है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनकी हत्या की गई है। तो अब भला रिया उन्हें बदनाम कर, उनका दिमागी संतुलन ठीक न होने के दावे कर उनकी आत्महत्या को ही सच बताने पर क्यों तुली हुई है? आखिर रिया ऐसा क्या जानती है जो वो दुनिया को नहीं बता रही? अब रिया को सच उगलना ही होगा। ऐसे और लोगों के साथ हुई बातचीत को वायरल कर वो खुद को बचा नहीं पाएंगे। CBI रिया से सच उगलवा कर ही रहेगी। आखिर ऐसा क्या है रिया के मन में जो सुशांत को लेकर वो छिपा रही और जो चीजें कहीं आसपास भी नहीं थी उन्हें चिल्ला चिल्ला कर गा रही हैं? सवाल ये कि रिया ही है मास्टरमाइंड या फिर उनके ऊपर कोई और भी है जो ये सभी चीजें बिना गिरफ्त में आए मैनेज कर रहा है। सुशांत अपने साथ कुछ ऐसे सवाल छोड़ गए हैं जिनका जवाब मिलना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहती है, तभी महाराष्ट्र सरकार के विरोध के बाद भी सर्वोच्च अदालत ने मामले में CBI जांच के आदेश दिए हैं।